हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम पेपर आर्ट सीखेंगे, जिसे आर्ट क्राफ्ट भी कहा जाता है। जिसमें मैं हर दो दिन पे एक वीडियो अपलोड करूँगा, और हर दो दिन पे इसलिए क्योंकि वीडियो तो कंटिन्यूस भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहे, तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करूँगा। और इस सीरीज में हम करीब मेरा एम है कम से कम 1000 वीडियो बनाने का। तो लेट्स डू दैट एंड या शुरुआत बेसिक से करेंगे। आज हम प्लेन बनाने जा रहे हैं। बचपन में हमने बहुत सारे प्लेन बनाए होंगे, पर इसमें हम दो तीन तरीके प्लेन बनाने सीखेंगे, जिसमें हम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे जैसे कि एक हम A4 शीट साइज का एक पेपर लेंगे, उसको इस तरह फोल्ड करेंगे। कुछ यूं ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से इसको, ठीक है। और इसके जो किनारे हैं उसको काफ़ी अंगूठे के नाखूनों में से नुकीला कर लेंगे। फिर हम सेम एक फोल्ड पे लगाएंगे, सेम टाइप का फोल्ड लगाएंगे एक बार फिर से, ठीक है, दोनों तरफ से। आई होप आपको वीडियो भी समझ में आ रहा होगा सब। कोशिश करेंगे कि दोनों ओर से इक्वल साइज में है पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सब कट कर रहा हूँ, ठीक है। अरे अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा। अगर आप बहुत ही सावधानी से बहुत ही बारीकी से काम करते हैं तो आपका ये दोनों इक्वल आएगा। वैसे जब भी बनाता हूँ तो ये मेरा दोनों इक्वल नहीं आता, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एरर तो हमेशा ही होता है, और चूँकि हम दो बारी से फोल्ड करते हैं तो परसेंटेज ऑफ एरर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जब आप पहली बार फोल्ड करें तभी परसेंटेज ऑफ एरर कम हो, ताकि सेकेंड टाइम जब आप फोल्ड करें तो ये डिफरेंस इतना ना दिखे। लेकिन ये आएगा ज़रूर, ये हमेशा आता है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, इसको ये बीच से फोल्ड करना है, बीच से फोल्ड करना है, और ध्यान रखना है कि ये दोनों किनारे आपस में मिले, और उसके लिए फोल्ड कर लेना। अच्छा, इस तरह क्या होता है ना, हमारी जो प्लेन बनती है, अब देखिए अगला स्टेप कुछ यूँ फोल्ड करना है। इस तरह से क्या होता है, जो हमारा प्लेन बनता है इसकी जो नोक होती है, नोक यानी चोंच बोल लीजिए, नोक बोल लीजिए, ये काफ़ी नुकीली बनती है, ये काफ़ी नुकीली बनती है, जिसके वजह से एरोडायनेमिक्स इसका काम करता है। एरोडायनेमिक्स काम करता है और ये हवा को आसानी से काट पाता है। जब ये हवा को आसानी से काटेगा तो प्लेन हमारी जो है वो काफ़ी दूर तक जाती है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ऐसे जो वीडियोज होते हैं ज़्यादातर बच्चे ही देखते हैं, तो
ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग नहीं देखते, बड़े भी देखते हैं बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। तो आई होप उनको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है और आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपकी कोई बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं तो उसे कमेंट में शेयर करें। बाकी चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है और ये हमारा प्लेन तैयार है, बस इसकी थोड़ी सी एरोडायनामिक्स ठीक की जा रही है। हमारे प्लेन पूरी तरह तैयार है। अच्छा, अगर आपको ये इंड का जैसे मेरा पूरा बराबर आया, देख सकते हैं, अगर आपका बराबर ना हो, पेज बराबर ना हो, तो आप इसको पीछे से कट भी कर सकते हैं। उससे कुछ प्लेन पे खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो मेरी प्लेन तैयार है। देख सकते हैं पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, आगे से कुछ ऐसी दिखती है। जब इसे हम हवा में उड़ाएंगे तो ये जो इसकी न्यूक्लियर नोक है ये एरोडायनामिक्स में बहुत अच्छा काम करती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उड़ेगी। अच्छा, एक डेमो दिखाता हूँ।